पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव को लेकर चलाए जा रहे मतदाता सम्मेलन के तहत आज मुरादाबाद देहात विधानसभा का मतदाता सम्मेलन MIT कॉलेज में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की महानगर संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता रही एवं मुख्य वक्ता देहात विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर KK मिश्रा रहे। इस दौरान मतदाता सम्मेलन की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा ने की और सम्मेलन का संचालन तुषार विश्वास के द्वारा किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए MLC चुनाव संयोजक मनोज गुप्ता ने कहा कि अभी हमें नगर निगम के चुनाव का भी सामना करना है, इसके बाद लोकसभा के चुनाव में जुटना है। निकाय चुनाव में हमें सफलता मिलेगी तो योगी जी मजबूत होंगे, तो वहीं लोकसभा में सफलता मिली तो मोदी जी को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले चुनाव में रिकॉर्ड मतदान करके हमें जनता का समर्थन मिला, जिसके बाद अपना एक रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान बोलते हुए मोदी और योगी सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को भी गिनाया, तो वहीं कहा कि पिछली सरकारों में भेदभाव की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन भाजपा ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। यही वजह है कि जनता के दिलों में भाजपा आज परचम लहरा रही है। पहली सरकारों में बिजली की क्या स्थिति थी? शहरों के अंदर मुश्किल से 10-10, 12-12 घंटे बिजली आती थी। खाना खाने के समय जब हम बैठते थे तो बिजली नहीं होती थी। हमारे स्टूडेंट जब पढ़ने के लिए बैठते थे बिजली नहीं होती थी। और जब हम लोग खरीदारी करने के लिए जाते थे, हम शहर के रहने वाले लोग हैं, भुरट्टी से लेकर और मंडी चौक तक आप आसानी से शाम के नंबर में निकल नहीं सकते थे। दोनों तरफ जनरेटरों का शोर होता था, काला धुआं होता था, कितना बड़ा प्रदूषण होता था। और आज क्या स्थिति है? आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक महानगर से लेकर कस्बे से लेकर गांव तक लेकर गांव के अंदर 18 घंटे बिजली की कल्पना किसी सरकार ने की। 18 घंटे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव के अंदर बिजली देने का काम किया है तो योगी सरकार ने किया। कोरोना काल के अंदर कैसी वैश्विक महामारी, पूरा विश्व से त्रस्त था। आज चाइना के अंदर देखिए क्या बुरा हाल है। 80 करोड़ से ऊपर वहां के लोग कोरोना संक्रमित हो गए और हिंदुस्तान हमारे मोदी जी के कारण, मोदी जी की कुशल नीति के कारण सबसे पहले वैक्सीन बनाने का काम हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने किया, हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने किया। भारी मतों से विधान परिषद में पहुंचाकर योगी और मोदी जी के हाथों का मजबूत करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान मंच पर अपने विचार रखते हुए समाज सेविका ऋतु नारंग ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में महिलाएं आज पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और पिछली सरकारों में महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी, तो वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में आज सभी खुश हैं और हमारा देश हर दिन तरक्की कर रहा है और मजबूत हो रहा है। औरत की आवाज एक बुलंदियों को छुई है। मैं नारी उत्थान केंद्र में काउंसलर हूँ। गांव से लेकर हर जाति धर्म के लोग वहां आते हैं, मुसलमान की औरतें वहां आती हैं और बिल्कुल एक शेरनी की तरह बोलती हैं, हमें अपना अधिकार चाहिए। तो इसको श्रेय आप किसको देंगे? योगी जी को देंगे। ताली मारिए, आपको ताली तो बजनी चाहिए अपने लिए, क्योंकि तो आपके देश में जो उत्तर प्रदेश, जहाँ कुछ समय पहले लोग कहते थे औरत सुरक्षित नहीं है, कहते थे नहीं कहते थे, गुंडा राज कहते थे, औरत का किडनैप होना एक कॉमन बात हुआ करती थी, आज उसी प्रदेश में औरत आगे अपनी आवाज निकालती है, वो कहती है मुझे अपना अधिकार चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महानगर संयोजिका अल्पना रितेश गुप्ता ने कहा कि हमें जयपाल सिंह व्यस्त को भारी मतों से जीत दिलानी है और उन्हें विजयी बनाना है। चुनाव बिल्कुल अंतिम समय पर पहुंच गया है और हमें अपने मतदाता तक पहुंचकर उन्हें मतदान के प्रति जागरूक करना है। ये अति महत्वपूर्ण है। इस मतदाता सम्मेलन का महत्व यही है कि आज का हमारा वोटर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम किसी चुनाव में यदि एक प्रत्याशी के लिए भांति खड़े हो जाते हैं, अगर हमारा वोटर जागरूक ना हो तो हमारे लिए खड़े होना भी बेकार है।
आज इस मतदाता सम्मेलन का उद्देश्य भी यही है कि आप देवतुल्य मतदाता आज इस सभा में उपस्थित है और हम सबको यही दर्शा रहे हैं कि हम मोदी जी के बताए हुए कदमों पर चल रहे हैं और इस सम्मेलन की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज इस सम्मेलन में जिस प्रकार से हमारे और जो अतिथिगण हैं उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं वो आप सभी ने अनुग्रहित करी होगी। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि 30 तारीख को जो आगामी 30 फरवरी है 30 जनवरी को जो हमारे जयपाल सिंह बैस जी का चुनाव है उसमें मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन्हें भारी से भारी मात्रा में वोट देकर विजयी बनाएं। जैसे कि हमारे यहाँ पर सभी लोगों ने कहा है कि जीत तो हम गए हैं, मैं उनकी बात का मान करते हुए यही कहना चाहूंगी कि जीत तो हम गए हैं लेकिन कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें जगे रहना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए और अपनी बात को रखते हुए कि हम अभी जीत रहे हैं, अभी हम जीतेंगे और हमें जीतना है, अपने इस लक्ष्य को हमें रखना चाहिए। तो वही कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर के मिश्रा ने कहा कि एमएलसी चुनाव एक यज्ञ है, इसमें हमें आहुति देकर योगी और मोदी को सफल बनाना है और जयपाल सिंह बैस को जीत दर्ज करानी है। तो वहीं उन्होंने कहा कि आप जिस प्रत्याशी को जानते हो और जो आपका है आप उसी को अपना वोट देकर विजयी बनाएं। तो आज हमें ये बीड़ा उठाना है इन 3 दिनों के लिए कि इन 3 दिनों में जिन मतदाताओं के पास अभी तक हम संपर्क स्थापित नहीं करवा पाए हैं या संपर्क स्थापित नहीं कर पाए हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिनके मत इतनी मेहनत के साथ इतने परिश्रम के साथ एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनवाकर जिन मतों को बनवाया गया जो अक्सर पिछले चुनावों में मतदान का प्रतिशत कम रह जाता है कारण उन मतदाताओं के पास तक ना पहुंच पाना होता है कि हम उन मतदाताओं के पास तक नहीं पहुंच पाते। तो आज हम इन 3 दिनों में इस बीड़े को उठाएंगे कि जितने भी मतदाता हमारे माध्यम से, पार्टी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, व्यक्तिगत संपर्कों के माध्यम से बनवाए गए हैं उन सभी मतदाताओं से इन 2 दिनों में हम संपर्क स्थापित करें और संपर्क स्थापित करने के बाद उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करें कि पहले मतदान और फिर जनपान। तो वही मतदाता सम्मेलन का समापन करते हुए महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा ने कहा कि सभी को अपने 20 वोट डलवाने हैं और उसी के बाद आराम करना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इतिहास बनाकर जयपाल सिंह बैस को जिताना है और मुरादाबाद इसमें अहम अपनी भूमिका निभाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। मुरादाबाद विधानसभा जो देहात कहलाती है 27, उसका ये सम्मेलन है और ये सम्मेलन अब इस घड़ी में है कि 2-3 दिन शेष रह गए हैं तो बहुत ही इस सम्मेलन की आवश्यकता थी और जो भी आज यहाँ पर मेरे साथी लोग और जो हमारे अग्रज मंच पर बैठे हुए हैं ये जो भी बताएंगे वो बातें बहुत ही ज़रूरी होंगी और इन बातों को बस ये समझिए कि ये मंत्र होंगे, 2-3 दिन के हैं, इनको सब लोग मानेंगे तो 30 तारीख को जो चुनाव हो रहा है उसमें बहुत बड़ा लाभ होगा और सभी लोग जुट जाएंगे रात और दिन होकर उनकी विशेष रूप से, इसलिए सभी लोग वहां पर समय से पहुंचेंगे कार्यालय पे। मां बाईपी सिंह जी और हमारे खंडेलवाल जी मौजूद रहेंगे। दूसरा, अब हमें अपनी कमर कस लेनी है। चुनाव तो हम जीत रहे हैं सब कह रहे हैं लेकिन इतिहास जो लिखा जाएगा ऐसा इतिहास लिख दो कि जो एक अमर हो जाए कि ना आगे कोई जीता है इतने वोटों से ना पीछे कोई जीता है। और ये इसमें मुरादाबाद का विशेष योगदान रहना चाहिए और महानगर के सभी कार्यकर्ताओं ने जिस जोश और खरोच के साथ वोट बनाए थे, पूरी दोनों कॉन्टेस्ट सबसे ज्यादा वोट बने थे मुरादाबाद जिले से, इसने सभी जिलों से ज्यादा वोटों से यहाँ से जीत कर जाएंगे हमारे गुरु जी। और मैं सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि अब 2 दिन बचे हैं,
अब सारे काम छोड़ के जैसे बेटी की शादी होती है ये समझ के उसमें लग जाए। जो वोट नहीं मिल रहे हैं, अगर कोई रह गया, ट्रेस हो गए, मेरी पर्ची नहीं आई, तो इसका मुझे खुद चिंता होनी चाहिए। ये ना सोचे कि मंडल अध्यक्ष देगा, कि मंडल सोचे कि मुझे तो महामंत्री देगा। सारे लोग जिनकी पर्ची नहीं है मंडल अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं, संयोजक से संपर्क कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर उन्हें नहीं मिल रही है मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मनोज जी से संपर्क कर सकते हैं, और हम सबसे भी ना मिले तो हरेंद्र भाई अभी अपना नंबर बताएंगे, इनसे संपर्क कर सकते हैं। कल हमारी सरकारी लिस्ट भी आ गई है, उसमें कुछ वोट बढ़ के भी आए हैं, जो लोग रह गए थे और जो बता रहे थे जिनके वोट रह गए वो उसके अंदर आ चुके हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।